नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष, हाज़िर हूँ बहुत अच्छी अच्छी टिप्स के साथ। फ्रेंड्स, आज हाज़िर हूँ मैं एक व्हाट्सअप की ट्रिक के साथ कि व्हाट्सअप में आप अपने फ़ोटो और वीडियो को एडिट कैसे कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि व्हाट्सअप पे हम फ़ोटो शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन कितना बढ़िया होगा अगर हम व्हाट्सअप और फेसबुक पे जो भी जैसे शेयर करते हैं अगर उसमें अपना ब्रांड कर देते हैं, यानी अपना नाम, अपना लिंक, कोई भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, तो वो पिक जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ हमारा नाम, हमारा ब्रांड की जो है पब्लिसिटी होगी, वो भी फ्री में। तो इसलिए हमें ये ट्रिक बहुत काम में आती है कि किसी फ़ोटो पे हमें कुछ लिखना है तो एक स्पेशल हो जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, जैसे मैं एक ग्रुप ले लेता हूँ, जैसे ये फैंटास्टिक ग्रुप है। अब सिंपल यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर गैलरी में जाते हैं और यहाँ पर मैं कोई फोल्डर, कोई फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो इतनी दुनिया ना बढ़ाओ, थोड़ा सा याद ही कर लिया करो, ये एक सेट कलेक्शन है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे तो आप कुछ लिख सकते हैं, वो तो अलग है। प्लस आपको यहाँ पे करना क्या है, ऊपर साइड में आपको एडिटिंग के फंक्शन दिख रहे हैं, एक क्रॉप जो पहले भी था वो अब भी है। क्रॉप माने कट जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। क्रॉप पर करेंगे तो आप जितना चाहेंगे उतना फ़ोटो को काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं फ़ोटो को, उस और फिर डन कर देना, आपको जैसा भी करना है। ठीक है, इस तरह से डन कर देंगे जितना काटना है। यहाँ पे आपको एक स्माइल दे रखा है, तो स्माइल पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ आपको इमोजी मिल जाती हैं। आप देखिए, सबसे पहले आपको इमोजी तो आप जानते हैं, ऐसे मैं यहाँ पे सैड लगा देता हूँ, एक सैड सैड यस, ये कैसे लगा देता हूँ रोता हुआ बस यहाँ पे। अब इसको क्या है, हम इसको साइड में छोटा भी कर सकते हैं। तो सिंपल आप दो उंगली से प्रेस करेंगे और ये साइज में छोटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसका साइड से देखिए आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो आप कलर रखना चाहें उसका कलर रख सकते हैं। और अगर आपको जो चीज़ पसंद आए तो यहाँ से अंडू भी कर सकते हैं, वो कलर अंडू हो जाएगा, फिर कटेंगे धीरे धीरे यहाँ से हट भी जाएगा वो, देखिए हट गया वो। इस तरह से हम इमोजी लगा सकते हैं। अब इमोजी के अलावा भी आपको कुछ मिल जाते हैं, वो ये है, आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे एक एरो है, एक आप कुछ लिखना चाहते हैं, एक एक राउंड है। राउंड सर्कल क्या है, जैसे आप किसी के फ़ोटो में कोई चीज़ दर्शाना चाह रहे हैं कि इसको देखो, इस बंदे को, तो बस आप उस बंदे को देख सकते हैं। ठीक है, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं साइज़ में, और बता सकते हैं कलर चेंज करते हैं, इसे रेड कर दे रहा हूँ से कि हाँ इस बंदे को देखिए आप। ठीक है, यहाँ से एमोजी और भी ले सकते हैं, जैसे हार्ट वगैरह ले सकते हैं, एरो लेंगे तो बस एक एरो और यहाँ से लगा देते हैं कि ये एरो भाई, ये देखिए इस बंदे को। अब आपको बात करते हैं यहाँ पर एडिट, एडिट में क्या है, आपने जो भी चीज़ बनाया उसे आप एडिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ, मतलब जो भी चीज़ बनाया उसको हम यहाँ पर अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे जो एमोजी वगैरह बनाते हैं वो ऑटोमेटिक बना होता है, खाली साइज मेंशन कर सकते हैं, साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या, हम ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ से हटा सकते हैं, कुछ भी कट कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। वापस वन वाय स्टेप अंडू करते रहेंगे वो स्टेप अंडू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक फंक्शन मिलता है टैक्स का, तो मैं टैक्स लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लाइक। जैसे अगर आपका फेसबुक पेज है तो हम लिखेंगे सिंपल सी बात है, लाइक अवर लाइक फेस पेज या लाइक फेसबुक पेज। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ लाइक फेसबुक पेज, यहाँ पे मैं लिख दिया लाइक फेसबुक पेज, और यहाँ को हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, और इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं ब्लू, ब्लू भी शो नहीं हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम देखिए यहाँ पे लिख देते हैं लाइक फेसबुक, एग्जांपल के तौर पे आपके लिए इसको आप यहाँ से छोटा कर सकते हैं, छोटा करने के बाद में आप यहाँ लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है लाइक फेसबुक पेज। ठीक है, इस तरीके से आप फेसबुक पे पोस्ट कर देंगे तो आपकी पब्लिसिटी हो जाएगी, व्हाट्सअप पर किसी को देंगे तो पब्लिसिटी हो जाएगी। यहाँ आप नाम डाल सकते हैं अपने पेज का या अपने चैनल का, कुछ भी आप जो भी पब्लिसिटी करना चाहते हैं वो फ़ोटो के जरिए आप पब्लिसिटी कर सकते हैं, और यहाँ पर सिंपल आपको सेंड कर देना है। अब ये फ़ोटो सेव हो गया, इस फ़ोटो को सेव होने के बाद ये आप कहीं से यूज़ कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप में एक ऐसा फ़ोटो एडिटिंग का दे दिया है कि अगर कुछ लोग, जैसे जो लोग फेसबुक पे पेज मेंशन करते हैं, पेज को यूज़ कर रहे हैं, तो पेज में अपना लाइक लिखना है या फिर वो लिखना है, इसके लिए हम अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की जगह हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ईज़िली इस्तेमाल भी हो जाएगा व्हाट्सअप। ठीक है, अब बात करते हैं किसी वीडियो की, तो सबसे पहले एक वीडियो ले लेते हैं, गैलरी में जाते हैं और एक वीडियो ले लेते हैं। जैसे मैं एक व्हाट्सअप पे वीडियो आया हुआ है मेरे पास, तो मैं ये वीडियो ले लेता हूँ।
97 बनता का वीडियो ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको क्रॉपिंग ऑप्शन मिल जाता है कि कितनी वीडियो क्रॉप रखना चाहते हैं, सिंपल सा फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपको इमोजी मिल जाते हैं, जैसे आप फ़ोटो में था अपना इमोजी मिल जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इमोजी लिख देता हूँ बढ़िया कला के लिए, बढ़िया के लिए। हाँ जी बस कहाँ, यहाँ यहाँ रखो बस, और उसे साइज़ में छोटा कर देते हैं और यहाँ पे कॉर्नर में लगा देते हैं। अब इमोजी में आप लिख सकते हैं, इमोजी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। सर्कल में आप लगा सकते हैं, ये जो सर्कल है वो वहाँ का वहीं रहेगा जहाँ पे चलना है, तो आप देख सकते हैं कि वीडियो चल रही है और सर्कल वहीं का वहीं रह रहा है, तो सर्कल आप वहीं रखें कि जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं यहाँ लगा देता हूँ सर्कल, और उसका कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मिल जाता है एक टेक्स्ट का ऑप्शन, तो टेक्स्ट का ऑप्शन में क्लिक करें और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सक्राइब सब्सक्राइब मी, ठीक है। अब ये वीडियो एडिटिंग करके हम लोगों को सेंड कर देंगे और अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे, बस सब्सक्राइब हो जाएगा, सब्सक्राइब मी हो गया। तो आप देखिए वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूँ, सब्सक्राइब मी नीचे लिख के आ रहा है, ठीक है। 97। अब यहाँ पे ड्रॉ का ऑप्शन मिल जाता है आपको एडिट का, तो यहाँ पे ड्रॉ आप कर सकते हैं इस तरीके से, कलर चेंज कर सकते हैं और आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ ट्रिक्स सिंपल, और यहाँ पे आपको पोस्ट कर देना है, हम यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। डाटा कनेक्शन ऑन कर लेते हैं सबसे पहले, कोई डाटा कनेक्शन ऑन नहीं है। अब आप देख सकते हैं ये इमेज को बनाया था मैंने, इमेज भी आप देख सकते हैं, देखिए इमेज तैयार हो गया आपका, ठीक है। वीडियो भी एडिट हो जाएगी, इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट टाइम आपको कुछ अच्छा से लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ये तो व्हाट्सएप फेसबुक सभी यूज़ करते हैं, तो उन लोगों के काम की चीज़ है, वो किसी भी तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।